हाय फ्रेंड्स, मधुर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ सेवइयों की खीर। सेवइयों की खीर के लिए क्या चाहिए हमें और किस तरह बनाना है ये देखना है। मैंने दूध आधा लीटर लिया हुआ है, गर्म किया हुआ, और उसके अंदर मैंने केसर डाली हुई है, और फिनी सेवई का एक पीस लिया हुआ है। शक्कर है, अपने हिसाब से लेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 8-10 चम्मच ली है, और कुछ ड्राई फ्रूट की कतरन है। तो देखते हैं कैसे बनाना है। गैस को ऑन किया है, अभी हम उसके अंदर घी डालेंगे थोड़ा सा। सेवइयों को फ्राई करने के लिए हमें इसके अंदर थोड़ा घी डालना है। और गैस को फ्लेम को थोड़ा बड़ा करेंगे, और सेवइयों को मैंने हाथ से ही इस तरह से ओपन किया हुआ है। घी गरम होने देंगे, आंच को मीडियम करेंगे। और चलाते रहना है, नहीं तो हमारी सेवई जल जाएंगी। आप चाहो तो घर की भी सेवई आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। सेवई हमारी फ्राई हो गई है, हमने दो मिनट लगे इसको फ्राई करने में, और ब्राउन कलर होने तक हमने फ्राई किया है इसे। अभी हम इसके अंदर दूध डालेंगे। सेवई हमारी फ्राई हो गई है, अभी हम इसे उबलने देंगे अच्छी तरह से। 2-3 उबाल आने तक इसे ऐसे ही फुल फ्लेम पे रखना है, और गाढ़ा होने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सेवई डाली हुई है इसलिए गाढ़ा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमें 2-3 ही उबाल आने देना है। सेवई के अंदर हम अभी ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसी तरह इसको चलाते रहना है, और शक्कर भी अपने हिसाब से डालेंगे, कम ज्यादा आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें मलाई भी डाल सकते हो। मैंने गर्म किया हुआ दूध था, इसके अंदर ऑलरेडी मलाई थी, इसलिए मैंने ऊपर से मलाई नहीं डाली है। उबाल आ गए हैं अच्छी तरह से। एक 10 मिनट के अंदर हमारी खीर बनके रेडी हो जाएंगी। साइड से इस तरह निकालते रहना है मलाई, ताकि खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है।
और गाढ़ी भी हो गई है और ठंडी होने के बाद भी और ज्यादा गाढ़ी हो जाएंगी, इसलिए हम इतना ही इसे बॉईल करेंगे। आप चाहो ठंडी खा सकते हो, चाहो तो गर्म भी खा सकते हो। अभी हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। सर्व करने के लिए हमारी खीर रेडी हो गई है। खीर अभी हम बाउल में निकालेंगे। कितनी बढ़िया खीर बनी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप जरूर एक बार ट्राई करना। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।